हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अमन वशिष्ठ और आपका स्वागत है मेरे चैनल पेट केयर में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाइए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, एक और ज़रूरी बात कि बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। उससे क्या होगा, अगर मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डॉग लेग्स बेंड, कि डॉग के जो लेग्स हैं वो बेंड क्यों होते हैं, क्या इसके रीजंस हैं और किस प्रिवेंटिव मेजर्स को हम लें ताकि हमारे अपने डॉग को लेग बेंड्स की प्रॉब्लम से बचा सकें। तो दोस्तों, यही हमारा टॉपिक है आज का, डॉग लेग बेंड्स। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें और बीच में वीडियो को ना छोड़ें। सो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है डॉग के लेग्स जो बेंड होने की प्रॉब्लम है, ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। अगर आप सही टाइम पर प्रिकॉशंस नहीं लेते, प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेते, तो आपके डॉग को पूरी ज़िंदगी इस बीमारी से सफ़र करना पड़ सकता है। सो आज दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ इसके क्या क्या रीज़न्स हैं। सो दोस्तों, पहला जो रीज़न है जिसकी वजह से आपके डॉग्स के जो लेग हैं वो बेंड होते हैं, वो है लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप अपने डॉग को प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कराएंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो डॉग है वो ओवरवेट हो सकता है, और ओवरवेट होने की वजह से उसके जो पैर हैं वो उसका बॉडी वेट नहीं संभाल पाएंगे और उसको लेग बेंडिंग की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा या फिर सुना होगा, ह्यूमंस में भी ऐसे ही होता है। अगर ज़्यादा हमारा बॉडी वेट हो जाता है, अगर कोई ज़्यादा ओवरवेट कोई बंदा है तो उसके भी ये प्रॉब्लम आ जाती है ह्यूमंस में, उसके बोलेक्स की बीमारी हो जाती है। तो ऐसा ही हमारा डॉग्स में होता है, अगर आपका डॉग ओवरवेट हो रहा है तो उसके लेग बेंडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, दूसरा जो रीज़न है डॉग में लेग बेंडिंग की प्रॉब्लम का, वो है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। अगर दोस्तों आप अपने डॉग को जो डाइट दे रहे हैं वो उसकी प्रॉपर डेली न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रही है तो आपके डॉग को लेग बेंडिंग की प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ सकता है। अगर आप उसे न्यूट्रिशन डाइट नहीं देंगे प्रॉपर, अगर उसकी डाइट न्यूट्रिशन को पूरा नहीं कर पा रही है तो उसके डेफिशिएंसी हो सकती है किसी विटामिन की या फिर कैल्शियम की, जिसकी वजह से उसकी हड्डियों की ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाएंगी, उसकी हड्डियाँ कमज़ोर रह जाएंगी और उसके लेग्स बेंड हो सकते हैं। तो बहुत से लोग यहाँ पर गलती करते हैं, वो अपने डॉग को सिर्फ होममेड फूड देते हैं जो कि उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता। सो दोस्तों, तीसरा और सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से मेनली डॉग्स में लेग बेंडिंग की प्रॉब्लम आती है, वो है स्मूथ और स्लिपरी सरफेस। आजकल हर किसी के घर में फर्श है या फिर टाइल्स हैं, और आप अगर अपने घर पर पपी रखते हैं तो मोस्टली जो ओनर्स हैं वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, वो अपने पप्पी को फर्श पर ही रखते हैं, जिसकी वजह से उसकी फर्श पर प्रॉपर ग्रिप नहीं बन पाती और धीरे धीरे जैसे उसकी ग्रोथ होती है तो उसके लेग्स बेंड होना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, ये है मेन तीन रीजंस जिसकी वजह से डॉग में लेग बेंडिंग की प्रॉब्लम आती है। सो दोस्तों, अब बात आती है इसके सॉल्यूशन की और कैसे हम अपने डॉग को इस प्रॉब्लम से बचा सकते हैं, या फिर उसके अगर प्रॉब्लम ये शुरू हो गई है तो कैसे हम उसे रोकें और ख़त्म करें। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दो तीन बताता हूँ चीज़ें जिनसे आप अपने डॉग को इस प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। पहला है उसकी प्रॉपर एक्सरसाइज। आप अपने डॉग को सुबह और शाम दोनों टाइम लगभग आधे घंटे एक्सरसाइज ज़रूर कराएं। दूसरा है उसकी डाइट। उसकी डाइट का खास ध्यान दें, उसे होममेड फूड के साथ साथ डॉग फूड भी दें ताकि उसकी जो डेली रिक्वायरमेंट्स है, न्यूट्रिशनल की रिक्वायरमेंट्स है, वो पूरी हो सकें। और तीसरा है स्लिपरी सरफेस। उसे स्लिपरी सरफेस पर बिल्कुल भी ना रखें। आप अगर उसे घर में टाइल्स पर रख रहे हैं तो आप उसके लिए कोई मैट वगैरह बिछा दें जिस पर वो रह सके, तो कोई भी रफ सरफेस पर उसे रखें, स्लिपरी सरफेस पर ना रखें। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इन तीनों चीज़ों का, तो आप अपने डॉग को लेग बेंडिंग की प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में भी आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो डालता रहूं, आपके लिए ट्रेनिंग वगैरह की या और वीडियोस डालता रहूं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।